हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने खेल विधेयक पर कांग्रेस द्वारा की जा रही बेतुकी राजनीति पर टिप्पणी की है और कहा कि कांग्रेस के पास मुंह दिखाने की जगह तक नहीं रही है और खेलों को पूरी तरह से कुचलने का काम करती आई है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पहले खेलों के लिए गंदा और कड़ा कानून लेकर आए थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार काले कानून को निरस्त करने का काम कर रही है तो कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। वहीं पूर्व भाव के अध्यक्ष विदय स्टोक्स के बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा है और कहना शुरू किया तो कांग्रेस के पास मुंह छिपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नशे की भट्टी में झोंका है, लेकिन अब बीजेपी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत कर रही है तो कांग्रेसी एतराज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक किसी खिलाड़ी को सम्मानित नहीं किया और केवल अपमानित करने वाले काम किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने खेल स्टेडियमों पर ताले जड़ने के अलावा कोई काम खेलों के लिए नहीं किया है। कांग्रेसियों के बयानों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि विद्या स्टोक्स को 70 साल की आयु में पद छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब उम्र दराज होकर कैसी राजनीति करना चाहती हैं। विद्या स्टोक्स के बारे में अगर बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया तो कांग्रेस को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कांग्रेस के पास मुंह दिखाने के लिए कोई जगह नहीं रही। खेलों को कुचलने का काम कांग्रेस सदा करती आई है। पहले नशों की भट्टी में युवाओं को झोंका और फिर खेल मैदान पर ताले जड़े, गंदा और कड़ा खेल काला खेल कानून लेकर आए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी बनाने की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं पर इस काले कानून को वापस किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने किया तो कुछ नहीं, किसी खिलाड़ी को सम्मानित तक तो नहीं किया, अपमानित करने का कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विद्या स्टोक्स जी के तो हमने सम्मान में बहुत कुछ कह दिया। 70 वर्ष की आयु के बाद जिनको छोड़ देना चाहिए था पद, वो 92 साल की उम्र के बाद भी क्या किस तरह की राजनीति खेलों में करना चाहती हैं? वो बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, हम सम्मान करते हैं, इसलिए हमने पहले कुछ नहीं कहा। अगर हमने कहना शुरू किया तो शायद कांग्रेस वालों के लिए चेहरा छिपाने की जगह नहीं रहेगी।